Good morning, students. Today we will discuss fourth paper of HBSC, yani Board of Education Haryana ka fourth practice paper aaj hum discuss karenge. Ye hai HBSC ka hi nahi, exact CBSC ka question paper hai, jo pattern hai, ab wo HBSC aur CBSC ka similar kar diya gaya hai. To CBSC wale bachche bhi isko acche se practice kar sakte hain, unko bhi isse kaafi benefit ho sakta hai. HBSC वाले बच्चे तो इसको प्रैक्टिस करेंगे ही, अदर स्टेट्स बोर्ड भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी. आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर से टाइम सेट करना है, इसको प्रॉपर टाइम में सॉल्व करना है, इनके सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है. तो इन क्वेश्चन से आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है. तो आप देखते हैं फोर्थ पेपर मार्च 2024 का जो ऑफिशियल साइट पर है किस तरह से है. तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, इसे अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले इसके दिशा निर्देश दिए हुए हैं, डायरेक्शंस दी हुई हैं, इनको आप लोग पढ़ लोगे. इन डायरेक्शंस को पढ़ने के बाद अपनी आंसर शीट को प्रॉपर तरीके से चेक कर लोगे, किसी में कोई दिक्कत तो नहीं है. लिखने से पहले आप ये पूरा चेक कर लें, पूरा चेक करने के बाद फिर अपने क्वेश्चन पेपर को प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे, उसमें कोई पेज मिस तो नहीं है या किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है. इन सभी इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करते हुए अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ आप बढ़ेंगे. तो आओ देखते हैं. तो इसमें जो क्वेश्चन हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन. देखो यहाँ पर रॉल्स लॉ ने आइडियल सॉल्यूशन को जब डिस्कस किया तो आपने क्या ध्यान रखना है, आइडियल सॉल्यूशन सभी टेम्परेचर कंसंट्रेशन टर्म्स पर रॉल्स लॉ को फॉलो करता है. तो आइडियल सॉल्यूशन की एग्जांपल आप ध्यान रखना, लगभग सिमिलर एक ही फैमिली के होंगे, जैसे टॉलबीन है, बेंजीन है, इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, इथाइल क्लोराइड है, प्रोपाइल क्लोराइड. तो इस तरह से सेम फैमिली के जो मेंबर्स होंगे वो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे. तो आप लोगों ने ये कर लिया होगा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बेंजीन एंड टॉलवीन, ये आइडियल सॉल्यूशन आपका फॉर्म करेंगे. तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाई कैटलिस्ट. कैटलिस्ट से यहाँ पर क्या अफेक्ट नहीं होता है, तो आप लोग बताइए क्या अफेक्ट नहीं होगा कैटलिस्ट से. तो कैटलिस्ट से अफेक्ट नहीं होगा यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी अफेक्ट होता है और यहाँ पर स्पीड ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होता है, गिब्स फ्री एनर्जी यहाँ अफेक्ट नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस. गोल्ड सरफेस पर HI का थर्मल डिकम्पोजिशन का ऑर्डर क्या होगा, तो आप लोग बताइए क्या होगा. तो इसका ऑर्डर हमेशा ध्यान रखना आप लोग, किसी भी मेटल सरफेस पर जब थर्मल डिकम्पोजिशन कराया जाता है वो हमेशा जीरो ऑर्डर का रहेगा. तो यहाँ पर प्लेटिनियम सरफेस पर ये थर्मल डिकम्पोजिशन कराया जा रहा है तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा, जीरो, इसलिए इसका आंसर आ जाता है जीरो. कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किस आयन की होगी, तो बताइए आप लोग हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग निकाल लोगे, यहाँ पर किसी भी आयनिक स्पीसीज पर जो चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. यहाँ पर आप निकाल सकते हो x-8=-2. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा +6. यहाँ पर अगर आप निकालते हो x-8=-1 तो यहाँ पर हो जाएगा +7. तो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट आपको पूछा गया है, आंसर हो जाएगा Mn4-. नेक्स्ट क्वेश्चन करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें होगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट. हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, बताइए आप लोग. तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट यहां पर तुम लोगों को फॉर्मूला पता है, n n+2
बोहर मैग्नेट्रॉन, ये इसका फॉर्मूला होता है। आपने ध्यान रखना कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच, मैक्सिमम पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जितने अनपेयर्ड अगर एक है तो 1.71 इस तरह से, तो ये अप्रोक्स वैल्यू है, इस तरह से आ जाएगा 2.3.4.5। तो यहां पर इस तरह से ये चलते रहेंगे, 9.6 हो जाएगा, 9.2 हो जाएगा, 8.6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतना पॉइंट से आगे, बाकी पीछे हो जाएगा। तो यहां पर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम किस में आएंगे, Cr2 पॉजिटिव। जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे Cr2 पॉजिटिव, तो यहां पर मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जितना एन मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एन यहां पर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहां पर Cr2 पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ni, NiCO4, NiCO4 में ऑक्सीडेशन। यहां पर बच्चों फिर से आप लोग ध्यान रखोगे, कोई भी न्यूट्रल लिगेंड है और वो न्यूट्रल स्पीसीज है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं है अगर उस मॉलिक्यूल पर, उस आयन पर, और उसके साथ न्यूट्रल लिगेंड जुड़ा हुआ है, तो वहां पर हमेशा ऑक्सीजन स्टेट जीरो रहेगी। कार्बोनिल कंपाउंड है, H2O है, हाइड्रोजन है, तो ये सभी न्यूट्रल हैं, तो इसलिए यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर Ni का क्या हो जाएगा, न्यूट्रल लिगेंड की वजह से जीरो हो जाएगा। कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां पर तुम लोगों को पता है, पहले समझा भी रखा है भाई, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का क्या लिखवाया है तुम्हें, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्गेनिक में ध्यान रखोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, और ब्रांचिंग इन हाइड्रोकार्बन चेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो ये चीज तुम्हें सभी चैप्टर्स में फॉलो करनी है। तो यहां पर जैसे जैसे हेलोजन मॉलिक्यूल या हेलोजन एटम का नंबर बढ़ता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि उसका मास बढ़ता चला जाएगा, पोलैरिटी बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा यहां पर, ब्रोमो फॉर्म, क्योंकि यहां पर 3Br है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट टू रिएक्ट SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। इस SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको समझा रखा है, क्या समझा रखा है, कि यहां पर जब कभी करें तो एरोमेटिक, क्या करोगे, एरोमेटिक, एरोमेटिक के बाद अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड, उसके बाद 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो यहां इधर चलेंगे जब SN1 इंक्रीज होगा, और ये SN1 अप टू टर्शरी, इधर चलेंगे तो यहां पर होता है SN2, और ये दोनों को दिखा सकता है। तो इधर चलोगे तो SN2 डोमिनेट करेगा, और इधर चलोगे SN1 डोमिनेट करेगा। तो यहां पर बताइए आंसर, तो यहां पर क्या है, ये टर्शरी, सेकेंडरी, तो यहां पर 3-2-1, तो इसमें टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसका हाईएस्ट SN1 को डोमिनेट करेगा, रिएक्ट करेगा, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन से किसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं, तो इसमें आपने रिएक्शन पढ़ा रखी है आपको, क्या, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। जब क्यूमीन से हम प्रिपरेशन करेंगे तो क्यूमीन में क्या रहेगा भाई, क्यूमीन इस तरह से होती है बेंजीन, तो बेंजीन पर इस तरह से ये लगा हुआ रहेगा CH3 CH3। जब इसका ऑक्सीडेशन आप करते हो तो ये ऑक्सीडेशन होकर के यहां पर इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा, और उसके बाद इसमें रीअरेंजमेंट होता है बच्चों, रीअरेंजमेंट होकर के ये मॉलिक्यूल यहां इस तरह से ये चला जाएगा, और यहां से ये हो यहां पर रीअरेंज होता है,
और रीअरेंज होने के बाद यहाँ पर फिनॉल प्लस में एसीटोन बनता है। ये दोनों ए और बी करके आपको पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फिनॉल एसीटोन यानी बोथ। कर सकते हो? Yes, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। विच रिएजेंट इज यूज्ड टू यील्ड पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल। यहां पर ध्यान रखना, अगर कंसेंट्रेट नाइट्रिक एसिड लेते हो तो तीनों पोजीशन 2, 4, 6 को ऑक्यूपाई कर लेगा, उसे पिक्रिक एसिड कहते हैं, और अगर डाइल्यूट लेते हैं तो ऑर्थो एंड पैरा पर ये ऐड होगा। तो यहाँ यही ध्यान रखना है कि जब कंसेंट्रेट नाइट्रिक एसिड लेंगे तो इस तरह से जो ये कह रहा है फिनॉल, तो यहां पर NO2, यहां पर NO2 और यहां पर NO2, इस तरह से ये जुड़ जाएगा, इसको पिक्रिक एसिड कहते हैं। तो इसके लिए कंसेंट्रेट नाइट्रिक एसिड को यूज किया जाता है। यह ऐसा ऑर्गेनिक एसिड है, बच्चों ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना, जिसके पास COOH ग्रुप नहीं होता फिर भी ये ऑर्गेनिक एसिड कहलाता है। तो इसका आंसर पिक्रिक एसिड है, तो यहाँ कंसेंट्रेट HNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड में भी, नीट में भी क्वेश्चन आ जाता है इसमें से। तो आपने आज मैं आप कंसेप्ट इसका बताता हूँ। आयोडोफॉर्म अगर मान लो प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल में ओनली एल्कोहल में सिर्फ इथेनॉल इस टेस्ट को देता है और कोई एल्कोहल इसे सो नहीं करेगा। सेकेंडरी एल्कोहल अगर है तो वन साइड जिस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है उसकी एक साइड में कुछ भी हो लेकिन एक साइड में CH3 होना मस्ट है। टर्शियरी एल्कोहल इसको नहीं देता। एल्डिहाइड के केस में आपने ध्यान रखना है बच्चों, एल्डिहाइड में ओनली CH3CHO यानी एसिड एल्डिहाइड ही आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। कीटोन की अगर सिचुएशन आती है या क्वेश्चन आता है तो कीटोन में मस्ट बी प्रेजेंट CH3 एट वन एंड ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, बाकी इधर कुछ भी हो सकता है, ये ग्रुप बहुत होना जरूरी है। तो अब आप देख सकते हो कोई भी क्वेश्चन आए, आयोडोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म टेस्ट, ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन, ब्रोमोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म रिएक्शन, तो इन सभी को तो यहां पर आप देख सकते हो। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें, जो आपका आंसर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव, तो कौन सा इस टेस्ट को नहीं देगा, इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड होता है, एसीटोन एक साइड में CH3 आ गया, उसके बाद बेंजाल्डिहाइड का जब हम केस देखेंगे CHO, तो ये इस टेस्ट को नहीं देगा, इसलिए इसका आंसर आपने करना है बेंजाल्डिहाइड। क्या करना है बच्चों, बेंजाल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म बाय फ्रीडलक्राफ्ट मिथाइलेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। तो आपने यहां पर ध्यान रखना है बच्चों, क्या ध्यान रखोगे कि भाई फ्रीडलक्राफ्ट, अब यहां पर ध्यान रखोगे एक तो एनिलीन में क्या करेगा, AlCl3 NH2 के बेसिक नेचर की वजह से उससे रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन एनिलीन नहीं देता। दूसरा बेंजोइक एसिड के अंदर COOH ग्रुप -R इफेक्ट शो करता है, ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है, उसकी रिएक्शन को डीएक्टिवेट करेगा यानी मेटा डायरेक्टिंग शो करेगा, इसलिए बेंजोइक एसिड फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट ग्लूकोज लेवल इन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कौन रेगुलेट करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। तो क्या आंसर हो जाएगा, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन एडिनिन एंड ग्वेनिन। अब यहां पर बायोमॉलिक्यूल में हमने पढ़ा है डीएनए का स्ट्रक्चर, तो यहां पर आपने क्या ध्यान रखना है, आपने ध्यान रखना है कि एडिनिन से दो हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से थायमिन जुड़ता है और ग्वेनिन से तीन हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से साइटोसिन जुड़ता है। तो यहां पर तो थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं एच बॉन्ड, यहां पर दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अब तुम्हें क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई यहां पर क्या है, तो यहां पर जीरो, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जीरो। तुम्हें पूछा गया है एडिनिन एंड ग्वेनिन ए और जी के बीच में, ध्यान रखना है ए जुड़ेगा हमेशा टी के साथ, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा, कितना, टू, ठीक है। साइटोसिन कितने से जुड़ेगा, थ्री, ओके। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यहां पर जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर आ जाता है द क्वेश्चन। अब यहां पर असर्शन एंड रीजन वाला पोर्शन आपका चल गया, तो ये असर्शन और रीजन इस बार से एचबीएससी में नया जुड़ा है, सीबीएसई में पहले से है, तो इसमें आपने ध्यान रखना है हमेशा रीजन से असर्शन निकालोगे तो गलती होने के चांस बहुत कम रहेंगे। तो यहां पर देखते हैं भाई असर्शन है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। मैंने अभी आपको बताया कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता, क्यों नहीं करता, NH2 ग्रुप बेसिक होने की वजह से AlCl3 से रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेता है, जिसकी वजह से यहां फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती, तो ये सही है। एनिलीन बीइंग बेसिक, तो ये असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन को कंप्लीट एक्सप्लेन भी करता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोलो, ए, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, कर सकते हो ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द क्वेश्चन बिलो, तो उसी तरह से आप असर्शन और रीजन में इसमें पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहां पर ऑर्थो नाइट्रोफ्लोन मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रोफिनॉल, ये सही है। नाइट्रो ग्रुप इन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ये गलत है, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होता है, तो इसलिए ए सही है और आर आपका गलत है, तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी, एज ट्रू बट आर एज फॉल्स, कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आप कर सकते हो भाई, इसमें दिया हुआ है सरसन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स सोज ज्योमेट्रिक आइसोमरिज, गलत हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज सिर्फ स्क्वायर प्लेनर शो करता है, कौन शो करेगा बच्चों, स्क्वायर प्लेनर, तो स्क्वायर प्लेनर ही यहां शो करता है, टेट्राहेड्रल शो नहीं करता, इसलिए गलत हो गया। और जब असर्शन गलत हो जाए और ऑप्शनों में तुम्हारे में इस तरह से दे रखा है तो सीधा आंसर तुम्हारा डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों गलत यहां पर नहीं दे रखे, अगर दोनों गलत दे रखे होते तो हम इसको देखने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज तो देखते ही आंसर हो जाएगा, टाइम भी सेव करना है। नेक्स्ट, और पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, ज्योमेट्रिक आइसोमराइज ड्यू टू डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट, जो कि टेट्राहेड्रल में नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका असर्शन रीजन है, तो यह है द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है भाई, आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड आयनिक कंडक्टेंस, पूछ रहा है आयनिक कंडक्टेंस डिक्रीज, ठीक है ये सही है, आयनिक कंडक्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर, ये गलत है, ऑल कंडक्टेंस चाहे स्पेसिफिक कंडक्टेंस है चाहे मोलर कंडक्टेंस है चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, ये सभी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये कंडक्टेंस सभी बढ़ जाएंगी, इसलिए क्या हो गया आर गलत हो गया ए सही हो गया, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपके
ऑप्शन या असर्शन वाले छोटे क्वेश्चंस थे, इनको बड़ी आसानी से आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, अब यहां से आपके एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन 19, स्टेट हेनरी लॉ, भाई हेनरी लॉ को आप स्टेट करेंगे कि हेनरी लॉ क्या होता है। तो बच्चे यहां पर आपने ध्यान रखना है, यहां पर अब यहां से स्टेप मार्किंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको क्वेश्चन जितना आता है आप उतना क्वेश्चन उसको लिख सकते हो। ये नहीं है कि हमें आधा क्वेश्चन आता है तो हम उसे छोड़ करके आ जाएं, आधा आता है या एक पॉइंट नहीं आता है, या एक पॉइंट आता है तो आप उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बिल्कुल हाइपर ना हो, ठंडे दिमाग से बहुत ही सूझबूझ के साथ अपना पेपर करें, आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, स्टेट हेनरी लॉ राइट इट्स टू एप्लीकेशन। तो हेनरी लॉ बच्चों क्या कहता है, हेनरी लॉ कहता है कि भाई जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी गैस के मोल फ्रैक्शन के। तो ये लिख सकते थे, इट स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड हेनरी लॉ, या इसकी स्टेटमेंट हो गई। एप्लीकेशन में आप कर सकते हो, भाई एप्लीकेशन हेनरी लॉ का क्या है, पहला जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की जब बॉटल्स को फिल किया जाता है तो बॉटल्स को जब फिल करेंगे तो उन बॉटल्स को हमेशा हाई प्रेशर पर फिल किया जाता है, ये इसका एप्लीकेशन हो गया, हाई प्रेशर। दूसरा एप्लीकेशन लिख सकते थे, स्क्यूबा डाइवर्स जो बैंड्स होते हैं यहां पर बैंड्स, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है तो ये किस में होता है, स्क्यूबा डाइवर्स में ये होता है। स्क्यूबा डाइवर्स जो समुद्री गोताखोर होते हैं या हैवी वाटर बॉडीज में जो गोताखोर होते हैं उनमें बैंड्स आ जाते हैं। बैंड्स बच्चों होता क्या है कि जैसे ही अंडर वाटर जाएंगे तो पानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा हमारी बॉडी पर, तो नाइट्रोजन गैस हमारे ब्लड में डिजॉल्व हो जाएगी। अगर बाय चांस कोई वहाँ पर क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है और हम उससे बाहर आते हैं, अगर हम तेजी से बाहर आ गए तो वो नाइट्रोजन तेजी से निकल जाएगी और हमारे ब्लड में, हमारी कैपिलरीज में, हमारी आर्टरीज में बबल्स जनरेट हो जाएंगे, एयर बबल्स, उनकी वजह से सीवियर पेन होगा, बॉडी ब्लू हो जाएगी और वो उसको सहन नहीं कर पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। इसको बैंड्स या ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। तो इसकी वजह से इसको रिड्यूस करने के लिए जो सिलेंडर होते हैं उनमें दूसरी गैसेज को मिक्स किया जाता है, हीलियम को, ऑक्सीजन को, तो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को थोड़ा सा कम किया जाता है, यहाँ ये कर सकते थे। तो और भी इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं, चलिए आगे। इसी तरह से नेक्स्ट है भाई, न्यूमेरिकल है, 1 ग्राम ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाई 0.4 के, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट ऑफ बेंजीन इज दिस, फाइंड द मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पर आप निकाल सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो किस तरह से, क्या फॉर्मूला आपका बन जाएगा बताइए भाई, आप कर सकते हो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर आपको मोलर मास निकालना है और किससे निकालना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपका फॉर्मूला बन जाता है मोलर मास इक्वल टू केएफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इनटू 1 डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इसको कहते हैं, इनटू में वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इनटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट का है, ये सॉल्यूट का है, ध्यान रखेंगे, और ये मोलर मास है। तो यहां इनकी वैल्यू आपको पता है, केएफ आपको दे रखा है कितना, 5 पॉइंट यहां रख लेते हैं, केएफ आपको दे रखा है 5.12 × 1000, आपको सॉल्यूट दिया हुआ है 1 ग्राम अपॉन, आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है 0.40 और आपको सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है 50 ग्राम बेंजीन दिया हुआ है।
इन सभी को आपने पुट किया, सॉल्व करिए, 256 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, स्टेट कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस राइट इट्स टू एप्लीकेशन। भाई कोलराउस लॉ क्या है? कोलराउस लॉ आप लोगों को पता है, इट स्टेट्स दैट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस व्हेन ईच आयन इज मल्टीप्लाइड विद देयर नंबर इज कॉल्ड कोलराउस लॉ। फिर सुनिए, इट स्टेट्स दैट द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस व्हेन ईच आयन इज मल्टीप्लाइड विद देयर नंबर, दिस इज कॉल्ड कोलराउस लॉ। ओके, तो यहां पर कोलराउस लॉ क्या होगा, यह आपने किया राइट इट्स टू एप्लीकेशन। भाई कोलराउस लॉ की एप्लीकेशन आप इससे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप यहां से निकाल सकते थे। दूसरा एप्लीकेशन आपका हो सकता है, भाई यहां पर आपने मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट ये कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, दूसरा पॉइंट आप यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेट कर सकते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, डिसोसिएशन कांस्टेंट यहां पर कैलकुलेट कर सकते हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो ये आपकी एप्लीकेशन हो जाएंगी। स्परिंगली सॉल्यूबल सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये इसके एप्लीकेशन थे। नेक्स्ट, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ FeNH3 होल ट्वाइस एंड CN4, तो यहां पर इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपने ड्रॉ करने हैं, यानी इसकी सिस एंड ट्रांसफॉर्म, कौन सी बच्चों, सिस एंड ट्रांसफॉर्म, तो किस तरह से ड्रा करना है, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड आपके इस तरह से बनते हैं, इस तरह से आप इसे बना दोगे, अगर साथ साथ हैं तो हो जाएगा सिस। अब आपके पास कंपाउंड है Fe, आपके पास NH3, आपने सिस बनाना है, तो NH3 को पास पास रख दिया तो ये बन गया सिस। बाकी पोजीशंस पे आप क्या रख दोगे, CN को आप यहां पे रख दोगे, यहां CN आपने रख दिया, CN आ गया CN, तो ये सिस फॉर्म बन गई बच्चों, कौन सी फॉर्म हो गई, सिस फॉर्म। नेक्स्ट में आपने क्या करना है, नेक्स्ट बना दीजिए, अगर NH3 को अपोजिट कर देते हो तो ये आपकी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, तो इस तरह से ट्रांसफॉर्म बना सकते हो। इसमें ध्यान रखना ये Ma2B4 का केस है, तो इसमें जो लेस वैल्यू होती है उससे आप लोग सिस निकालते हो, हायर वाले से सिस नहीं निकाला करते हैं, तो ये आप ध्यान रखोगे भाई Ma2B4, तो आपने सिस और ट्रांस इससे डिसाइड करना है, तो इस तरह से इसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग डेरिवेटिव्स। अब यह है साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्जीम, साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्जीम, तो साइक्लोप्रोपेनोन यहां पर CO आएगा, ऑक्सीम O यहां से कट हो जाएगा, तो यहां NOH यहां बन जाएगा। बना कैसे था भाई, इस तरह से ये था यहां पर O, जब यहां पर H2NOH अमोनिया डेरिवेटिव्स रिएक्ट करते हैं, ध्यान रखना ऑर्गेनिक में वाटर निकलेगा और ये जुड़ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्सीम का स्ट्रक्चर।
कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें देखें, नेक्स्ट इसमें आ गया मिथाइल हेमी एसीटल फॉर्मेल्डिहाइड। मिथाइल हेमी एसीटल फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा? देखो एसीटल, जब एल्डिहाइड है यहां पर ये सी एच ओ, जब इस तरह से है तो यहां जब ये रिएक्ट करेगा मीथेनॉल सी एच थ्री ओ एच, तो ये मॉलिक्यूल रीअरेंज हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, एच पॉजिटिव, ये नेगेटिव, एच आपका इधर आएगा और ये वाला मॉलिक्यूल यहां आएगा। तो यहां पर इस तरह से आपका हेमी एसीटल बन जाएगा ओ सी एच थ्री। तो ये क्या बन गया? मिथाइल का हेमी एसीटल बन गया, किसका? फॉर्मेल्डिहाइड का या मिथेनल का। तो इस तरह से इसको आप बना सकते थे। अगर एक और मॉलिक्यूल रिएक्ट करा दें तो ये भी एच हट जाएगा, तो वो बन जाएगा एसीटल। ओके, नेक्स्ट इसमें आ जाता है गिव पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है? साइक्लोहेक्सीजोन फॉर्म्स साइनोहाइड्रिन गुड यील्ड बट 2,4 ट्राइमिथाइल। अब देखो यहां पता चल गया भाई, साइक्लोहेक्सीनोन ये इस तरह से 6 कार्बन होने चाहिए और ये होना चाहिए, तो यहां पर साइनोहाइड्रिन क्या रिएक्ट कर रहा है? HCN, तो ये रोटेट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव आसानी से इस पर जुड़ जाएगा, तो यहां स्ट्रिक हिंड्रेंस नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन में क्या है? इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? उसने कहा भाई कि यहां पर ये है, यहां भी CH3 लगा हुआ है, यहां CH3 लगा हुआ है, इस पे CH3 लगा हुआ है, तो यहां पर स्ट्रिक हिंड्रेंस रिपल्सन इतना ज्यादा हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल इसमें से CN आएगा और ये यहां अटैक करेगा वो इतनी आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए इसका गुड यील्ड ऑब्टेंड नहीं होगा। तो आपने ध्यान रखना है स्ट्रिक हिंड्रेंस, क्योंकि रिएक्टिविटी आपने पढ़ा है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन में जो रिएक्टिविटी है वो स्ट्रिक हिंड्रेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट से अफेक्ट होती है, इलेक्ट्रॉनिक अफेक्ट से अफेक्ट होती है। तो आपने ध्यान रखना है जहां जितना स्ट्रिक हिंड्रेंस होता जाएगा यानी CH3 ग्रुप CO कार्बोनिल ग्रुप के इधर उधर बढ़ते चले जाएंगे उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी कम होती चली जाती है। जितने CH3 ग्रुप या R ग्रुप कम होंगे उतनी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी। तो इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इसमें है देयर आर 2 NH2 ग्रुप इन सेमी कार्बोजाइड, हाउएवर ओनली 1 इज इन्वॉल्व। सेमी कार्बोजाइड में भाई किस तरह से? इस तरह से 2 NH2 ग्रुप होते हैं जो इसका डेरिवेटिव होता है यूरिया का, क्योंकि ये यूरिया होगा ये वाला पोर्शन। तो यहां पर क्या है कि भाई एक इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ एक ग्रुप पार्टिसिपेट करता है। तो क्यों नहीं करता? क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है यही रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, और जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो ये इस ग्रुप के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो आप पढ़िए, देयर आर 2 NH2 ग्रुप इन सेमी कार्बोजाइड, हाउएवर ओनली 1 इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बोजोन। सिर्फ एक ही पार्टिसिपेट करता है, दूसरा पार्टिसिपेट नहीं करता। तो क्यों नहीं करता? क्योंकि ये वाला भी पार्टिसिपेट कर जाएगा रेजोनेंस के अंदर, ये वाला रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसलिए इसके लोन पेयर इसे रिएक्ट करने के लिए यानी ये H2 आसानी से रिमूव कर जाता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ना करने की वजह से, सिर्फ एक ही ग्रुप इससे रिएक्ट करेगा। कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, व्हाट इज एल्डोल। अब ये आप लोगों को बता रखा है नेम रिएक्शन, सारी नेम रिएक्शन रिएजेंट सभी आपको सभी वीडियोज मैंने बना करके दे रखी हैं, अप टू नीट एडवांस जेई मीन्स लेवल के दे रखी हैं, CBSE बोर्ड हो, HBSE हो, स्टेट बोर्ड हो, सारी तो वहाँ सारी नेम रिएक्शन है, तो यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। फिर भी थोड़ा भाई एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है? दोज एल्डिहाइड्स विच हैव एल्डिहाइड इन कीटोन विच हैव अल्फा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, दिस इज कॉल्ड एल्डोल।
तो क्या एग्जाम्पल इसका हो जाएगा भाई? अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो ये एसीटाइलडिहाइड है, एसीटाइलडिहाइड हमने इसमें ले लिया, एक एसीटाइलडिहाइड दूसरे एसीटाइलडिहाइड मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट करेगा और डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करते हैं, डाइल्यूट NaOH हो सकता है, डाइल्यूट KOH हो सकता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये सेल्फ कंडेंस हो जाएंगे, ये मॉलिक्यूल यहाँ आएगा, ये इधर जाएगा तो ये इस पर अटैक कर जाएगा और इस तरह से एक मॉलिक्यूल यहाँ फॉर्म हो जाएगा, CH3CHOH CH2CHO, इसे कहते हैं एल्डोल। क्या कहते हैं बच्चों? एल्डोल, या फिर बीटा, क्योंकि ये अल्फा बीटा गामा, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी हो सकता है, ये एल्डिहाइड है, कीटोन भी हो सकता था, कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है गिव सिंपल टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग कंपाउंड्स इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन। अब यहां पर क्या क्या डिस्टिंग्विश कर सकते थे, यहां पर तुम टॉलेंस टेस्ट कर सकते हो, टॉलेंस टेस्ट इसको डिस्टिंग्विश कर सकता है, इथेनॉल एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देगा, कीटोन नहीं देगा, फेलिंग टेस्ट कर सकते हो, फेलिंग टेस्ट में बच्चों इथेनॉल देगा, एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है। इसी तरह से नेक्स्ट आप लोगों का यहां पर है प्रोपेनॉल एंड बेंजल्डिहाइड, प्रोपेनॉल एंड बेंजल्डिहाइड में क्या हो जाएगा भाई, इसमें भी आप टॉलेंस टेस्ट को कर सकते हो, टॉलेंस टेस्ट, तो ये प्रोपेनॉल बेंजल्डिहाइड, तो प्रोपेनॉल आसानी से इसको देगा ये रियरली या फिर नहीं देगा, तो इसलिए टॉलेंस टेस्ट से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, व्हाट इज क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स गिवन एग्जांपल। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में क्या होगा भाई, प्रोटीन्स फोल्ड रीफोल्ड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सल्फाइड बॉन्ड्स एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस तरह से स्ट्रक्चर इनका बन जाता है। क्वार्टनरी प्रोटीन अगर आप लोग देखें तो क्वार्टनरी प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर इसमें होगा, इस तरह से इसको कंबाइन आप कर सकते हैं, तो ये फोल्ड एंड रीफोल्ड हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन, क्या है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में एक हीम मॉलिक्यूल को चार पॉलीपेप्टाइड चेन कवर किए होते हैं, वन हीम, तो कवर कितने कर रखे होते हैं, चार पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन इसको कवर कर लेते हैं, तो क्या है भाई, अमीनो एसिड्स जो हमारी चेन है वो फोल्ड हो जाती हैं, रीफोल्ड कॉइल ड्यू टू सल्फाइड बॉन्ड हो सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं, तो इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड हो सकते, तो इनसे ये बनेगा। नेक्स्ट है डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, हाउ डज इट वेरी विद कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। भाई मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी आप डिफाइन कर सकते हो, क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी, बड़ा सिंपल है, आपने कोई भी वॉल्यूम लिया किसी सॉल्यूशन का, इसमें वन मोल सब्सटेंस ऐड कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, और इस इलेक्ट्रोलाइट से टोटल नंबर ऑफ आयंस जो ये फॉर्म होंगे, इन टोटल नंबर ऑफ आयंस की जो तुम्हारी कंडक्टेंस होगी इसको हम मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। द कंडक्टेंस ऑफ टोटल नंबर ऑफ आयंस व्हेन वन मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस डिजॉल्व इन एनी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, अब इसका रिलेशन क्या आ जाएगा भाई, मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पर
ये बढ़ेगी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये डिक्रीज हो जाती है, मोबिलिटी उनकी घट जाती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। और में है, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आपने लेवल डायग्राम बनाना है तो बड़ी आसानी से उसको बना सकते हो, सिंपल सा है। इस तरह से एक वायर, प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड आपने इसको लिया और यहां से फिर इसको H2 गैस इसमें पास कर दिया और इसे एक कंटेनर में रख के इसमें H2 गैस एट 1 bar या HCl इसमें फिल कर दिया। ये कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर यहां पर डाइल्यूट HCl, यानी इसकी कंसंट्रेशन रहेगी 1 mM, 1 molar HCl इसमें फिल कर दिया। ये प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड है, तो ये आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन जाता है ऐसे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है। द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, भाई ये सेल है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शंस अकर, ये रिएक्शंस किसी सेल में होती हैं, तो अब वहां पर आपसे कैलकुलेट करा लिया बच्चों, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी आपसे कैलकुलेट करा लिया है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन, आसानी से कर सकते हो भाई। क्या है? डेल्टा जी माइनस एन ई एफ, एन आपको यहां पता है कितना है, 2, ई आपको यहां दे रखा है, एफ आपको पता रहता है 96,500, वैल्यू पुट करनी थी 2, और नेगेटिव का मीनिंग है गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज, 2 हो जाएगा। ई नॉट की वैल्यू अब आप यहां से रख सकते हो, 0.236 आपने यहां रखा। नेक्स्ट एफ 96,500 ले लेना है। कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चंस में, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा, 45548, ये आपकी क्या आ जाएगी, गिब्स फ्री एनर्जी। अब आपको ये भी पता है कि भाई जो केसी का फॉर्मूला है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, एंटी लॉग ऑफ एन इंटू ई नॉट अपॉन 0.0591, ये वैल्यू यहाँ रखनी है। आपने क्या करना था, एंटी लॉग लेना था किसका, 2 × 0.236 अपॉन 0.0591। तो यहाँ जब इसे सॉल्व करोगे ये 10^8, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। यहाँ पर जूल्स में आ जाएगी और यहाँ पर ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा 3 marks का ये क्वेश्चन, आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इनके IUPAC नेम आपको लिखने हैं। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ये आता है, तो इसमें आपको लिखने आते हैं सभी, पहले आप लोगों को बता रखा है भाई इसे देखें, तो क्या हो जाएगा, डाई अमीन क्लोरीडो, उसके बाद NO2 क्या है, नाइट्राइटो,
अब ये नाइट्राइटो एन से जुड़ा हुआ है, तो एन यहाँ पर ले लेते हैं, नाइट्राइटो एम्बिडेंट लिगेंड है, क्या है, प्लैटिनियम, प्लैटिनियम सेकेंड, तो सेकेंड भाई निकाल सकते हो एक्स प्लस में, यहां प्लस आएगा, इसमें कुछ है नहीं, तो इसका एक्स निकालना है, एक्स NH2 न्यूट्रल है, जीरो हो जाएगा, Cl का माइनस वन, NO2 का माइनस वन, पूरे पर कोई चार्ज नहीं है, जीरो, तो इस तरह से X प्लस टू यहां पर आपको मिल जाएगा, ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है पोटासियम, पोटासियम उसके बाद ट्राई ऑक्जिलेटो, पोटासियम ट्राई ऑक्जिलेटो। अब यहां ध्यान रखना है यूपीएससी में अगर बिस्ट्रिस या कुछ इस तरह का जो वर्ड यूज कब करते हैं, जब ओरिजिनल पॉलीडेंटेट लिगेंड में डाई या ट्राई उसके नाम में प्रेजेंट हो, अगर उसके नाम में नहीं है तो हम सिंपल डाई ट्राई ही यूज करते हैं, इसलिए ट्राई ऑक्जिलेटो। अब यहां ये क्या है, नेगेटिव आयन है, और नेगेटिव सीएमआई में हमेशा एट वर्ड जोड़ना है आपको, तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्रोमेट, क्रोमेट, एट वर्ड इसमें यहां जोड़ोगे आप, उसके बाद इसके स्मॉल ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे और लिख दोगे और आपका ये आंसर हो जाएगा थ्री। अब यहां ये क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है, तो यहां अगर निकालोगे थ्री प्लस में एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो यहां पर एक्स आपका कितना आ जाएगा, थ्री, तो उस थ्री को रोमन काउंटिंग में स्मॉल ब्रैकेट में सीएमआई के नाम के पीछे आप लिख दोगे। नेगेटिव सीएमआई के अंदर एट वर्ड जोड़ना है, पॉजिटिव और न्यूट्रल में नहीं जोड़ना है। अगला आ जाता है, अब ये पॉजिटिव है इसमें नहीं जोड़ेगा, तो ये पेंटा एमीन, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, उसके बाद आ जाएगा कोबाल्ट, अब यहां एट वर्ड नहीं जोड़ेंगे, थर्ड क्लोराइड, लिगेंड्स में क्लोरिडो होता, सिंपल नाम है तो क्लोराइड लेंगे, भाई ये न्यूट्रल है, इस पर टू है और ये, तो इस तरह से निकाल सकते थे, एक्स प्लस जीरो माइनस टू माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू प्लस थ्री, तो इस तरह से हम इसको कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन, मैकेनिज्म आपने लिखना है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग इसे कर सकते हो। तो क्या है बच्चों, यहां पर सबसे पहले आप लोगों ने H2SO4 एसिड हाइड्रोलाइज किया है, तो H2SO4 को आप ब्रेक करके यहां इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव यहां पर जनरेट करेंगे H। अब ये नेक्स्ट स्टेप में ये जो H है, ये H इस इथेनॉल पर अटैक करेगा CH3CH2OH, तो ये जो H है अब ये इसकी लोन पेयर पर आकर के जुड़ेगा, जब यहां जुड़ता है तो यहां लोन पेयर इसका यूज करेगा CH3CH2OH इस तरह से, तो यहां पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ये तुरंत इस बॉन्ड को ब्रेक करके निकल जाएगा, और जब निकलेगा H2O यहां चला गया, यहां पर इस तरह से ये मॉलिक्यूल बन जाएगा CH2 पॉजिटिव। ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए रीअरेंज कर लेगा, H पॉजिटिव यहां से निकल जाएगा, और इस तरह से ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन फॉर्म हो जाएगा, इथीन बन गया, ये H पॉजिटिव निकल गया। अब ये नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि ये H वापस अपना जाएगा,
एच प्लस में एच एस ओ फोर नेगेटिव और ये कंबाइन होकर के एच टू एस ओ फोर फॉर्म हो जाएगा। तो ये एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू फॉर्म इथिन, तुम मैकेनिज्म इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट। डी ग्लूकोज को जब फॉलोइंग रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा भाई एच आई, डी ग्लूकोज को एच आई से रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बनेगा भाई? सिंपल सी रिएक्शन है, आप लोगों को करा रखी है बायो मॉलिक्यूल में। तो क्या है, ग्लूकोज को आप इस तरह से लिख सकते हो सी एच ओ सी एच ओ एच, इसके चार मॉलिक्यूल आ जाएंगे और ये सी एच टू ओ एच हो जाएगा। अब पहला एच आई के साथ रिएक्ट करते हैं, ये रिडक्शन करा देगा बच्चों, और जब ये रिडक्शन करेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, सी एच थ्री सी एच टू फोर सी एच थ्री, तो क्या हो गया एन हेक्सेन, क्या बन गया बच्चों एन हेक्सेन। दूसरा इसमें कहता है, वो क्या कह रहा है, ब्रोमीन वाटर बी आर टू वाटर, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप को ही ऑक्सीडाइज करा पाएगा, तो यहां से ग्लूकोनिक एसिड यहां पर आपको मिल जाएगा। तो यहां सी ओ ओ एच सी एच ओ एच, तो इस तरह से ये ओ एच को इथेनॉल वाले एल्कोहलिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज नहीं करा पाएगा, तो ग्लूकोनिक एसिड आपको मिल गया, ग्लूकोनिक एसिड। नेक्स्ट अब आपका आ जाता है एच एन ओ थ्री, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दोनों टर्मिनल एल्डिहाइड को भी और एल्कोहलिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज करा देगा, और सैकेरिक एसिड इसमें आपको मिल जाता है सी ओ ओ एच सी एच ओ एच फोर सी ओ ओ एच। तो यहाँ पर बच्चों सैकेरिक एसिड आपको मिल जाएगा। इस तरह से ग्लूकोज के इंजेक्शंस को आप लोग कर सकते हो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट अब आ जाता है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। तो आप इस पैराग्राफ को पढ़िए, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, तो आप लोग पढ़ेंगे पढ़ लिया भाई, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। तो यहां पर इस तरह से यह पैराग्राफ है, इसमें नेक्स्ट हम क्वेश्चंस को आप देखते हैं किस तरह से क्वेश्चंस इसमें आ रखे हैं। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, आप लोगों ने कर रखा है वह क्या है, द प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हायर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू लोअर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम अंडर एक्सटर्नल प्रेशर। यानी मान लो खारी पानी है, सेलाइन वाटर से हमने पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर बनाना है, तो कंसेंट्रेट सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट, यानी रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस, इसका उल्टा ऑस्मोसिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आर ओ आर ओ क्या हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा है, डायग्राम से आप इसको समझ सकते हो, बहुत सिंपल है। ये हमने एक ये SPM बना दिया, SPM, तो यहां पर कंसेंट्रेट सॉल्यूशन और यहां पर हमने डाइल्यूट, ये डाइल्यूट है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये कंसेंट्रेट सॉल्यूशन है। तो जैसे ही हम यहां प्रेशर अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव कर जाएंगे थ्रू एसपीएम फ्रॉम कंसेंट्रेट सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। दिस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम कंसेंट्रेट सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन अंडर एक्सटर्नल प्रेशर
is called reverse osmosis. Is called reverse osmosis. Okay? Yes, कर सकते थे. यूज भी इसका कई बार पूछ लिया जाता है. टू मेक सेलाइन वाटर फिट फॉर डोमेस्टिक यूजेज, ड्रिंकिंग पर्पज, तो इन सभी के लिए इनको हम यूज में ला सकते हैं. नेक्स्ट है, व्हाट वुड हैपन इफ रेड ब्लड कॉर्पसल्स वर प्लेस्ड इन 0.5% NaCl सॉल्यूशन. भाई इसको अगर डाइल्यूट में रखते हो तो ये क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है. ये सेल्स अब फैल जाएगी ड्यू टू एंड ऑस्मोसिस. यहां पर एंड ऑस्मोसिस होगा और एंड ऑस्मोसिस की वजह से ये स्वेल्स अप हो जाएगी. एंड ऑस्मोसिस की वजह से ये स्वेल्स अप हो जाएगी. अगर कंसंट्रेट होता तो श्रिंक हो जाती. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं, व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. भाई आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, दोज सॉल्यूशंस विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर टर्म्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशंस. राइट, वन एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस फूड प्रिजर्वेशन. भाई फूड प्रिजर्वेशंस में जितने भी फ्रूट्स हैं इन सभी में शुगर ऐड करके, एक तरह से कहते हो भाई चाशनी में डाल करके या शुगर सॉल्यूशन कंसंट्रेट सॉल्यूशन बना करके, तो उनको प्रिजर्व किया जा सकता है. तो इसमें जो फूड प्रिजर्वेशन में क्या है, फ्रूट्स को आप शुगर सॉल्यूशन से या शुगर ऐड करके प्रिजर्व कर सकते हो. तो ये आपका ऑस्मोसिस. आपने देखा होगा किशमिश को कितने भी दिन रखो खराब नहीं होगी, अंगूर को अगर रखते हो तो खराब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, सड़ जाएगा. किशमिश है, मनिक्का है, तो ये ड्राई फ्रूट्स, इनको क्या किया जाता है, एक्स ऑस्मोसिस के जरिए. एक्स ऑस्मोसिस यानी पानी उसमें से बाहर निकाल दिया जाता है बाई यूजिंग कंसंट्रेट शुगर सॉल्यूशन. तो ये एंड ऑस्मोसिस यानी ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन है, प्रिजर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट, आउट ऑफ 1 KCl एंड 1 यूरिया विच विल हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर हायर होगा. तो ये ध्यान रखना कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स. पार्टिकल्स इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नंबर ऑफ आयंस इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. तो ये ध्यान रखना है. तो किस में ज्यादा होगा, KCl यूरिया, क्योंकि यहां पर दो आयन है, यहां पर एक है सिर्फ मॉलिक्यूल, इसलिए 1 KCl. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये भी HBSE में नया ऐड किया गया है, CBSE में तो पहले से चल रहा है. तो आइए देखते हैं भाई, ये पैराग्राफ है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ये है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड C4H9Br रिएक्ट विद एल्कोहलिक KOH टू गिव कंपाउंड बी. कंपाउंड बी इज रिएक्टेड विद HBr टू गिव C विच इज एन आइसोमर ऑफ A. व्हेन A इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल इट गिव्स कंपाउंड D C8H18 विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म व्हेन N ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड. अब देखो यहां पर बड़ा सिंपल सा कंपाउंड बन गया है, ये जो वर्ड वो एक क्ल्यू देगा उसको समझ के आप लोगों ने आगे बढ़ना है. अब उसने ये दिया, इससे डिफरेंट है, ये कब बनता है, जब ये कंपाउंड इस तरह से होता, ये जब इससे रिएक्ट करता और तब ये बनता. इसका मतलब जो ये कंपाउंड है ये वाला नहीं हो सकता. तो ये क्या हो गया भाई, ये कंपाउंड आपका हो गया CH3, आप इसकी चेन बना दो CH3CH तो, और ये कह रहा है Br, यहां पर आपका आ गया H, बना दिया. अब इसमें उसने कहा
कि भाई एल्कोहलिक QOH, अब रिएजेंट आपको पढ़ा रखे हैं, एल्कोहलिक QOH का फंक्शन होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ HX बट इन द फॉर्म ऑफ KX प्लस वाटर। तो यहां एल्कोहलिक QOH जब आप डालोगे, एल्कोहलिक QOH इस पर रिएक्ट किया, तो एल्कोहलिक QOH की वजह से क्या बन जाएगा, CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से बन जाएगा। अब उसने कहा कि भाई ये कंपाउंड ए हो गया, ये कंपाउंड बी हो गया। यहां पर कहा गया है कंपाउंड बी इज रिएक्टेड विद HBr टू गिव सी विच इज आइसोमर ऑफ ए। तो ये कंफर्म हो गया कि भाई ए यही होगा, क्योंकि HBr जब निकला तो ये डबल बॉन्ड आया। अब यहां HBr जब ऐड होगा तो मार्कोनी कोप के अकॉर्डिंग, यानी अब Br कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ओके yes, तो अब देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से है। तो यहां पर यह है विच टाइप ऑफ आइसोमरिज प्रेजेंट बिटवीन कंपाउंड ए एंड सी, ए एंड सी में कौन सा आइसोमरिज होगा भाई, बताइए आप लोग। बड़ा सिंपल था भाई, ए ये बना था CH3CH CH3CH2Br, ये ए था, और बी आपका बना था यहां Br आया था CH3CH3। तो यहां पर देखा जाए तो क्या है, कौन सा आइसोमर है, पोजीशन। तो यहां पर पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए ये हो गया पोजीशन आइसोमेरेज, हो जाएगा। सेकंड, राइट द यूपीएससी नेम ऑफ कंपाउंड डी। अब कंपाउंड डी का आइसोमर, अब कंपाउंड डी में क्या किया गया है भाई, ये तुम्हारा मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराया CH3CH CH2 Br CH3। इसके दो मॉलिक्यूल जब यहां रिएक्ट करेंगे सोडियम से तो ये क्या बन जाएगा, वुड्स रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, तो वुड्स रिएक्शन यहां इस तरह से CH CH3 CH2। तो यहां से ये टूटेगा और इसके दो मॉलिक्यूल इस तरह से जुड़ जाएंगे, जुड़ेगा। कभी भी ध्यान रखना है इस तरह से, अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट पूछे तो ऐसे तोड़ दिया करते हैं, रिएक्टेंट बन जाएंगे, यहां Br लगा देना। तो यहां जब नंबरिंग दोगे 1 2 3 4 5 6, तो IUPAC क्या हो गया बच्चों, 2 5 2 5 डाइमिथाइल, कितने कार्बन, 6 हेक्सीन। ओके, तो ये हो जाएगा इसका IUPAC हो जाएगा। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड बी, भाई कंपाउंड बी क्या बना, कंपाउंड बी क्या बना था, कंपाउंड बी में आप लोगों ने जब इसको हीट किया था तो कंपाउंड बी आपका बना था CH3 CH3 डबल बॉन्ड, बोलो ये बी बना था। ओके, नेक्स्ट है हाउ विल यू कन्वर्ट कंपाउंड बी टू ए, बी से ए कैसे बना सकते हो, बी से ए बनाना, ये बी है, इससे आपको ए बनाना है CH3CH CH3CH2Br। तो क्या करिए, यहां पर HBr क्या करेंगे, HBr ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक परोक्साइड। क्या कहते हैं इसको, एंटी मार्कोनी कोप रूल या ऑक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट। एंटी मार्कोनी कोप रूल प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ HBr। अगर यहां HCl ले लेते या HI ले लेते तो यह मार्कोनी कोप ही रहता, HBr के केस में सिर्फ एंटी मार्कोनी कोप होता है और इसका रिएक्शन मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल, इसलिए यह प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये आपका
बी हो जाएगा। तो ए फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें और भी दे रखा है, और वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन इन विच कंपाउंड, तो अभी बताया कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, वुड्स रिएक्शन, कौन सी हो जाएगी, वुड्स रिएक्शन। थ्री, ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज 90 SR विद हाफ लाइफ दिस, वन माइक्रोग्राम ऑफ 90 SR वाज एब्जॉर्ब्ड इन द बोन्स ऑफ ए न्यूली बॉर्न बेबी इंस्टेड ऑफ कैल्शियम, हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 10 ईयर एंड 60 ईयर इफ इट इज नॉट लॉस्ट मेटाबॉलिकली। जब मेटाबॉलिकली ये लॉस नहीं होता है तो ये 10 साल और 60 साल बाद कितना बचेगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको वैल्यू पुट कर देता हूं, आप लोग सॉल्व करोगे। भाई यहां पर सबसे पहले आप निकाल लें टी हाफ क्या होता है, आपको पता है टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन के, तो यहां से आप के निकाल लेंगे 0.693 अपॉन टी हाफ, तो ये 28.1 ईयर, यहां से के निकालेंगे। उसके बाद फिर आपने बड़ा सिंपल सा है टी वन आपने रखना है, टी वन जब रखोगे 2.303 अपॉन के की वैल्यू यहां रखोगे लॉग आर नॉट अपॉन आर, यहां इस तरह से आ जाएगा। तो यहां पर के की वैल्यू रख करके ये बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। तो यहां से आर नॉट आपको यहां 1 दिया हुआ है, बड़ी सिंपल तरीके से, तो यहां से निकाल सकते हो। तो ये आर जो आपने कैलकुलेट करना है आर डैश या आर, तो यहां जब इनकी वैल्यू पुट करोगे टी आपको दे रखा है के दे रखा है, तो यहां एंटी लॉग बाई टी 10 ईयर ले लिया, के की वैल्यू यहां से आ जाएगी केस वन में के की वैल्यू रख दोगे लॉग 1 अपॉन आर डैश या आर जो भी लेना है, यहां से आपका ये आर आ जाएगा। तो ये तो 10 ईयर वाला आ गया, इसी तरह से आप 60 ईयर वाला यहां पे रख दोगे, फिर इसका एंटी लॉग, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू 1/r और ये इधर जाकर के एंटी लॉग आ जाएगा, और आप दोनों कैलकुलेट कर सकते हो 10 ईयर वाला भी और 60 ईयर वाला भी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। अच्छा इसका और सेम उसी तरह से ये है, द टाइम रिक्वायर्ड 10% कंप्लीशन, उसके बाद 25% कंप्लीशन, फिर ईए निकालेंगे, तो वही सिंपल वही एक फॉर्मूला यूज होना है भाई के, सिंपल सा कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे भाई, आपने पता है के तो टी दे रखा है, तो क्या फॉर्मूला है 2.303 अपॉन के लॉग, तो यहां पर आप सिंपल तरीके से ए अपॉन ए माइनस एक्स यूज करना, ए को हमेशा 100 मानना और एक्स जितना भी दे रखा है 10% दिया है तो 10 हो जाएगा, 25% दिया है तो 25 हो जाएगा, 90% दिया होगा तो 90 हो जाएगा, तो इस तरह से ये तुम्हारे x आ जाते हैं। इन वैल्यूज को आसानी से इसमें रख के आप यहां पर क्या है k1 निकाल लेंगे, k2 निकाल लेंगे, उसके बाद log k2 अपॉन k1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये निकल गया, k1 k2 निकल गए, इन्हें फिर पुट कर दोगे कि भाई log k जो तुम्हें पूछा गया है, तो log a उसके बाद आ जाएगा ea अपॉन 2.303 rt, तो यहां इन वैल्यूज को पुट करोगे और तुम्हारे सामने आंसर आ जाएगा, बड़ी आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ओके क्या है क्वेश्चन बच्चों, व्हाट आर लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स क्या होगा, दोज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स विच फॉलो लेंथेनियम एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर
in their apt subshell are called lanthanoids. जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की क्या हो जाएगी? जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें बड़ा सिंपल सा है, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपने लिखना है N-2F1-14, N-1D0-1, उसके बाद NS2। तो यहाँ पर इस जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जा सकता है कि लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। भाई लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन है क्या? जब इलेक्ट्रॉन एक ही सबसेल में ऐड होता जाएगा तो हर स्टेप पर वन इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, एक यूनिट चार्ज उस पर बढ़ेगा, तो जैसे जैसे ऐड होता जाएगा तो पूरी की पूरी सेल ही श्रिंक कर जाएगी, पूरी सेल श्रिंक करेगी, तो वहां पर क्या हो जाएगा, उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन, यानी स्टेडी डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथनाइड्स ऑन इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक नंबर, दिस इज कॉल्ड लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये किसकी वजह से हुआ था? ये हुआ था कि एट एवरी स्टेप वन इलेक्ट्रॉन एड इन द सेम सब सेल ड्यू टू विच इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एंड द होल सेल कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज रिड्यूस साइज, दैट्स वाई द कॉन्ट्रैक्शन या लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन अकर्स, यानी लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन होगा। उसके बाद कॉन्सिक्वेंस यानी इसके प्रभाव क्या होंगे, ऑल द लेंथनॉइड्स आर सिमिलर इन देयर प्रॉपर्टीज ड्यू टू लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन, बेसिक स्ट्रेंथ रिड्यूसेज डिक्रीजेज बिकॉज द बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। तो जैसे ही लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन होगा साइज रिड्यूस हो जाएगा, घटता चला जाएगा, तो उनकी बेसिक स्ट्रेंथ घटती चली जाएगी। इसी तरह से आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, यानी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आईपी ग्रेटर देन दैट ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, या साइज ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स ग्रेटर देन द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, दिस इज ड्यू टू लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो ये इसके प्रभाव आप लोग लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट ये आपको करा रखा है, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटासियम परमैंगनेट, हाउ डज द एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन। तो ये आपको पहले वीडियो में करा रखा है और क्लास में भी करा रखा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एन एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया एंड हीटिंग गिव्स कंपाउंड बी। ए ने NH3 को एक्वस NH3 के साथ हीट करने पर बी ऑब्टेंड होता है, बी विच ऑन हीटिंग Br2KOH डिकम्पोजिशन करा देगा। उसके बाद सी मॉलिक्यूल फॉर्म C6H7N। तो यहां पर किस तरह से आप लोग देख सकते हो, भाई यहां पर सी आप अंदाजा लगा सकते हो, 6 कार्बन है, 7 हाइड्रोजन है, तो ये मॉलिक्यूल होगा। उसके बाद ये कब बना होगा, नेम रिएक्शन, बड़ी सिंपल सी नेम रिएक्शन है कि Br2 इसको डिकम्पोज कर देगा और प्राइमरी अमीन फॉर्म हो जाती है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, ये बनेगा। उसके बाद ये कब बनेगा, ये आपको पता है कि NH3 और इसको हीट किया है, दिया गया है हीट, जब यहां ये दिया है तो इसका मतलब यहां पर COOH होना चाहिए था, ये COOH पहले जुड़ेगा, हीट होगा तो यहां H2O निकल जाएगा, इसी तरह से यहां पर निकल जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया C, ये हमारा हो गया
बी और ये हो गया ए। तो क्वेश्चन है और में भी इसमें है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, इन्हें भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, डायजोनियम सॉल्ट बीडीसी, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्ट, जब हम H3PO2 हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो यहां पर सिंपल बेंजीन फॉर्म होता है भाई, ये कर रखा है बेंजीन फॉर्म होगा। NH2 अब ये रिएजेंट कराया था, एसिड क्लोराइड एसिड एनहाइड्राइड एक्टिव हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ऐसा एडिशन कराएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा ये C6H5NH, तो यहां पर आ जाएगा COCH3, निकल जाएगा CH3COOH, ये कंपाउंड बन जाएगा। ये नेक्स्ट प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन टर्शियरी अमीन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हिंजवर्क टेस्ट, तो ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा एक्टिव हाइड्रोजन Cl यहां से निकल जाएगा, तो इस तरह से ये कंपाउंड बन जाएगा C5SO2NHCH3, ये बनेगा। या फिर इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे भाई, ये S और यहां पर NHCH3, जो उसमें करते थे प्राइमरी अमीन्स रिएक्ट करेगा फिर NaOH में क्लियर सॉल्यूशन देगा, सेकेंडरी टर्बिटरी देता है क्लियर सॉल्यूशन नहीं देता, टर्शियरी रिएक्ट ही नहीं करता। तो इस तरह से यहां CHCl3 अल्कोहलिक KOH C6H5 आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड बन जाएगा, तो यहां C6H5NC इस तरह से यहां फॉर्म हो जाएगा। सल्फो एनिलीन कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड यानी ये बेस ये एसिड, तो यहां सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा C6H5NH3 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव। तो इस तरह से इनको हम कर सकते हैं, तो बड़ा सिंपल है बच्चों, आप लोग इन पेपर्स की प्रैक्टिस करके आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हो। इन पेपर्स को CBSE वाला भी कर सकता है, HBSE वाला भी कर सकता है और अदर स्टेट्स बोर्ड भी कर सकते हैं। थैंक यू।